हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा समग्र आईडी कैसे निकालते हैं। अगर आप भी अपनी समग्र आईडी निकालना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से समग्र आईडी कैसे निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं जैसे कि क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को यूज करूँगा तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और इधर पर आपको सर्च करना है समग्र आईडी। तो जैसे आप समग्र आईडी को सर्च कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी समग्र की और इधर पर लिखा हुआ समग्र पोर्टल, तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इधर पर एक महत्वपूर्ण जानकारी का एक नोटिस आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप कट कर देना और जैसे आप कट कर दोगे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो गाइस इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप फर्स्ट से ऊपर आओगे तो इधर पर आपको साइड में एक और इधर पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, तो इधर पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसा आप क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इधर पर आप देखोगे इधर पर बोला जा रहा है समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें परिवार आईडी, तो इधर पर परिवार आईडी मांगेगा। तो आपको आपकी परिवार आईडी पता रहना चाहिए, एक परिवार आईडी रहती है वो आपको पास होगी तो आपको उसको इधर पर डाल देना है। तो चलो मैं अपनी परिवार आईडी को डाल दूंगा। और परिवार आईडी डालने के बाद इधर पर एक कैप्चर कोड आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस कैप्चर कोड को आपको इधर पर डाल देना है। तो जो भी कैप्चर कोड इधर पर आपसे बोल रहा है वो आप डाल दो। अगर ये कैप्चर कोड आपको समझ नहीं आता तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, इधर पर क्लिक करके ये कैप्चर कोड चेंज हो जाएगा और जो भी कैप्चर कोड आपको समझ आता है वो कैप्चर कोड आप इधर पर डाल दीजिए। तो जैसे कि जो भी कैप्चर कोड है वो मैं इधर पर डालूंगा, ये कैप्चर कोड मुझे समझ आ रहा है तो सिंपल से मैं इधर पर कैप्चर कोड को डाल दूंगा। देख सकते हो आप, ये मैं कैप्चर कोड को डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको कैप्चर कोड डाल देना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा प्रिंट फैमिली समग्र कार्ड, तो क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक कर दोगे देख सकते हो हमारी जो समग्र आईडी है गाइस इधर पर निकल के आ चुकी है। पूरी की पूरी फैमिली की समग्र आईडी हमारी निकल के आ चुकी है, इधर पर जितने भी आपके सदस्य हैं उनकी समग्र आईडी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से आप समग्र आईडी को निकाल सकते हो। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मेल मिलता है। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।